हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिल और आप देख रहे हैं क्यू एन ए पार्ट 42। और इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछे हैं। और इसी तरह से आपका भी मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा कोशिश यह है कि आपका हर एक डाउट क्लियर करूँ। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आकाश शुक्ला जी ने पूछे, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 15, 20 एंड 54 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। तो यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन है कि सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो नंबर 12, 15, 20 एंड 54 से डिवाइड करने पर सभी केस में जो कि 4 रिमाइंडर होगा। तो और एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जिस नंबर को 12 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर होगा, 15 से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर जो कि 4, 20 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर, 54 से भी 4 रिमाइंडर होगा सभी केस में। तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला या फिर ट्रिक कह सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर जो होगा वो होगा इन सभी नंबर को जो डिवाइड किया गया जिस नंबर से, उन सभी नंबर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 54, साथ में जो रिमाइंडर है उसको जोड़ दीजिए। सभी केस में रिमाइंडर 4 है तो 4 जोड़ दीजिए। तो एलसीएम जो कि 12, 15, 20 एंड 54 का एलसीएम होगा जो कि 540, और यहाँ पर रिमाइंडर जो कि 4, तो 4 ऐड यानी कि 544 जो कि आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है कि लेस नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ सभी नंबर जो डिवाइडेड है इस नंबर से एंड प्लस 4, और प्लस 4 तभी होगा, इस ट्रिक तभी होगा जब सभी में सेम रिमाइंडर होगा। तो चलिए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन और एक क्वेश्चन भी आकाश शुक्ला जी ने पूछे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच दैट ऑन डिवाइडिंग बाई 15, 18, 21 एंड 24 द रिमाइंडर आर 11, 14, 17 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर कहा है कि सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर ढूंढना है जिस नंबर को 15, 18, 21 एंड 24 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा वो 11, 14, 17 एंड 20। तो यहाँ पर देखिए 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर को डिवाइड करना है 15, 18, 21 एंड 24 से। और सभी केस में देखिए 15 के केस में 11 रिमाइंडर, 18 के केस में 14, 21 के केस में 17, 24 के केस में 20। अब इन सब का डिफरेंस देखिए, इन सब का डिफरेंस देखिए 4, 4 डिफरेंस, डिफरेंस 4, डिफरेंस 4, डिफरेंस 4। तो इस कंडीशन में इस टाइप क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए कुछ सिंपली करना क्या है, जिस नंबर से डिवाइडेड है इन सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 15, 18, 21 एंड 24, और इन सब का एलसीएम होगा जो कि 2520। अब देखिए कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि 9999, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो सिंपली इस 9999 को 2520 जो कि एलसीएम ले गए हैं इसको डिवाइड कीजिए। तो सिंपली यहाँ पर 3 से देखिए 3 से डिवाइड होगा जो कि 7560, और यहाँ पर रिमाइंडर जो कि 2439, यानी कि आपका जो आंसर आएगा आप देख लीजिए 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9999, जो रिमाइंडर है इसको माइनस कीजिए 2439। अब देखिए सभी केस में 4 डिफरेंस है तो 4 माइनस कीजिए तो जो होगा ये आपका आंसर है। तो इस केस में देखिए यही आएगा 7560 माइनस 4 यानी कि 7556 जो कि आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आप इस टाइप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे।
और इसी तरह से आपका भी मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोज़ देखने के लिए।